गाइस, आज फिर से हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और आज है बड़ा ही धमाकेदार वीडियो। धमाकेदार बोल रही हूँ क्योंकि एल्विस यादव को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो, जिसकी मतलब कि जो बिग बॉस में इसने बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए थे भाई ऑडियंस के, और सारे लोग दिल में एक बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तम तब, अरे तम तब। एक ही दिन में ये बंदा दिलों में रहने लग गया था। आज इसका एक कांड बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि मैक्स ट्रॉइन के जो यूट्यूबर थे उनको उनके मतलब उन्होंने एक वीडियो पे एक कंट्रोवर्सी वीडियो बनाया था और जो उनको रोस्ट कर रहे थे। पर दोस्तों ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े यूट्यूबर किस लिए बने हैं, यूट्यूबर दिक्कत हम लोग कंट्रोवर्सी करते ही हैं क्योंकि ऑडियंस का दिल भी जीतना होता है। पर उस उन्होंने क्या करा, जो मैक्स थे उन्होंने मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एल्विस यादव का ये रोस्ट वीडियो जो बनाया था, पर एल्विस यादव को नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर दोस्तों एक बात कहना चाहते हैं हम लोग आपसे, एल्विस यादव आपने बहुत गलत किया है और ये वीडियो आपको बड़ा ही तेजी से वायरल भी हो रहा है, तो ऑडियंस का भी जो हम लोग सोचते हैं कि हमें एल्विस यादव यार पूरा मतलब कि एक माँ बाप को चाहने वाला बंदा और ऑडियंस को चाहने वाला इंसान है, पर जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन का ही मतलब सिस्टम ही बदल डाला भाई, सच में ये लड़का बिल्कुल पूरा सिस्टम हिला डाला। गाना आज एल्विस यादव पूरा पूरा बिल्कुल सूट भी कर रहा है, हम लोग भी देखते हैं किस तरीके से एल्विस यादव ने भाई पीट डाला। हेलो गाइस, तो गाइस क्या एल्विस यादव ने मैक्सटन की पिटाई कर दी है, तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो देख लो ना सामने से आए भाई, और अकेले नहीं गए एल्विस यादव, पूरी फौज को लेके गए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहा है। अरे यार ये क्या हुआ, बंदा देखो उन्होंने बोल रहा था और भाई कैसे हो, तो वो बोल रहा है कि कहता आओ धड़ पैड़ पेड़ पे 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 पे, ये क्या तरीका था। तो एल्विस यादव जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूट्यूबर की इज्जत भी आप लोग करो, अगर हम सब आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके फैन हैं तो इसलिए हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर आपने ये करके ना बहुत ज्यादा गलत काम किया है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ आपको किस लिए चाहती है, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए अच्छा बोलते हो अच्छा करते हो, पर इस तरह से आपने किया ना एक यूट्यूबर के साथ बहुत गलत किया है। तो एल्विस यादव को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को पूरा देख के मनोरंजन लेके तब जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई।